हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर टू का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे द पेनिसुलर प्लेट्यू। सो इसकी 14th वर्कशीट है ये सोशल स्टडीज की। पेनिसुलर प्लेट्यू इट इज अ टेबल लैंड। ये टेबल जैसे एकदम फ्लैट लैंड होता है और ये जो है ये ओल्ड क्रिस्टल्स, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स से बना होता है। इट इज द पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास। ये सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास से बना होता है। ये बड़ा होता है, इसमें वैलीज होती हैं और कुछ राउंड सी हिल होती हैं गोल। ये मिनरल्स में रिच होते हैं, बहुत मिनरल होते हैं जैसे कि आयरन, कोल, बॉक्साइट, और ये इंडस्ट्रियल में भी बहुत इफेक्ट करता है। इसको दो कैटेगरी में बांटा है, अब हम वो देखते हैं। पहले सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड ये नर्मदा रिवर के पास होते हैं। मेजर एरिया जो है इसका ये मालवा प्लेट्यू है। ये वाइडर होते हैं थोड़े, वाइडर मतलब चौड़े होते हैं और लंबे होते हैं, थोड़े पतले होते हैं ईस्ट से। द ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड और भगेलखंड। इसका जो प्लेट्यू का ईस्टवर्ड एक्सटेंशन होता है तो उसके प्लेट्यूज को कहते हैं। जहाँ पर छोटा नगरपुर तक ये एक्सटेंड होते हैं और ईस्ट में है। जो इनकी इम्पोर्टेंट रिवर है जो यहाँ से आती है वो है चंबल, बेतवा, खेन और दामोदर। अब ढक्कन प्लेट्यू, इट इज अ हायर इन द वेस्ट। ये वेस्ट में होते हैं और स्लोप इज जेंटली ईस्टवर्ड में होते हैं। इनकी ब्लैक सॉइल यहाँ पे फाउंड की जाती है जिसे ढक्कन ट्रैप कहा जाता है। यहाँ पे वॉल्केनोज आते हैं और ये बहुत अच्छा है कॉटन ग्रो करने के लिए। ये ट्रायंगुलर है मास में और ये लाई करता है साउथ में नर्मदा रिवर के। और इसका जो बेस है वो सतपुरा रेंज है इन द नॉर्थ एंड फ्लैंक बाय ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स। इसके आसपास ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट है। अब ईस्टर्न घाट्स क्या होते हैं, इनकी एवरेज हाइट 600 मीटर है और ये पहले होते हैं, स्ट्रेच होते हैं महानदी वैली से लेकर नीलगिरी तक। जो रिवर है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब यहीं से ड्रेन होती है बे ऑफ बंगाल तक। और बिफोर ड्रेनिंग दीज रिवर मेक डेल्टा। और ड्रेन करते समय ये कुछ डेल्टा भी बनाती है जो कि फर्टाइल होते हैं। सबसे हाईएस्ट पीक है इनकी महेंद्रगिरी जो कि 1501 मीटर है। और सबसे अच्छी टूरिस्ट प्लेस है उधम गमन डलम, ओटीबी जिसे कहते हैं। अब वेस्टर्न घाट, ये थोड़े बड़े होते हैं अगर हम देखें ईस्टर्न घाट के कंपैरिजन से। और एवरेज हाइट 900 से 1600 मीटर। और रिवर्स होती हैं नर्मदा, तापी, सरवती, ये सब होती हैं और अरेबियन सी तक जाती हैं और एक स्टेरी फॉर्म करती हैं। स्टेरी के बारे में हम सब पढ़ चुके हैं। और जो हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया का वो है जोग वाटरफॉल जो कि सरवती रिवर से होता है। ये ओरोग्राफिक रेन है यहाँ पे। और हाईएस्ट पीक है अनाई मुद्दी जो कि 2695 मीटर की है। विच इंडियन लैंड मास इज मेड अप ऑफ वॉल्केनिक डिपोजिशन। पहला क्वेश्चन, द डक्कन ट्रैप इज द इंडियन लैंड मास विच इज मेड अप ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन एंड डिपोजिशन। दिस डेक्कन ट्रैप वॉज फॉर्म मिलियंस ऑफ ईयर एगो बाई सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वॉल्केनो एक्टिविटी। सेकेंड, नेम टू रिवर विच ड्रेन थ्रू सेंट्रल आईलैंड, नर्मदा एंड तापी। बाय द एक्सटेंट ऑफ ईस्टर्न घाट्स इज कंटिन्यू एज वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट्स आर नॉट अ कंटिन्यू चेन ऑफ माउंटेन्स, दे आर ब्रोकन बिकॉज मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर वाइड वेन फ्लोइंग थ्रू ईस्टर्न घाट्स। दे स्प्रेड आउट फॉर्मिंग डेल्टाज नियर सी, इस वजह से होता है। अब फोर्थ, प्लेट्यू क्यों जरूरी है। प्लेट्यू आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे हैव रिच मिनरल डिपोजिट्स। मैनी ऑफ माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन प्लेट्यू। फॉर एग्जाम्पल, द अफ्रीकन प्लेट्यू इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। द छोटा नगर प्लेट्यू इन इंडिया हैज ह्यूज रिवर्स ऑफ आयरन, कोल्ड एंड मैगनीज। And in the plateau regions, one can find several waterfalls. Many people have scenic spots which attract tourists in the plateaus. So, ये थी वर्कशीट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए बाय।